उसमें परेशान हो जाते होंगे कि आज क्या बने। अच्छा, सिलाना पड़ता है फिर। अच्छा, 100 रुपये का आएगा, यहाँ तक नहीं लगा सकती, ग्रोथ नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा घर, छोटा घर, काम छोटा रहता है, बड़ा घर तो काम भी बढ़ता है। काम मेरा यहाँ पे बात है। देखो मीनू को। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज नुमेर ब्लैक में दिख रहा है, क्या रीज़न है नुमेर? जरा बता दो हमारे व्यूवर्स को। कॉलेज वाले ने बोले अभी जो है ना, नुमेर के कॉलेज का यूनिफॉर्म हो गया है ये, ब्लैक कलर का शर्ट है ना, विदाउट ब्लैक कलर के एक शर्ट में अगर गए तो रिटर्न। सही है। कल मीटने को भी वीडियो देखा आपने? कौन सी वीडियो? बटरफ्लाई को ऐसे मार रही थी। मीनू हरकत ही हो गई है, क्या करेंगे अभी मीनू का, बोलो। कुछ नहीं कर सकते, हरकत ही हो गई है, बदमाश हो गई है, मस्तीखोर हो गई है। बदमाशी करना मांगता उसको, मस्ती तो बहुत हो गई है उसकी। देखती रह कैसा नुमेर, शक्ल देखती रह कैसा बराबर। बिस्मिल्लाह, ठीक है ना? क्या लेने का है? जनरल की बुक। हाँ ठीक है, कॉल कर। अल्लाह हाफिज़। कुछ नहीं, जाके संभाल के गर्दी में मत चढ़ना। आजा बेटा, बिस्तर उठा रही है मेरी माँ ही, पापा के साथ मिलके। यहाँ बैठो बेटा ऊपर। चलो चलो, सुबह सुबह का ब्लॉग हमारी माही के स्माइल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये मेरा ही है अभी तो फिलहाल। तुम लोगों, तुम्हारे चैनल पे काम करना है तो भाई तुम लोग करो। जो सीख नहीं पाएंगे, लेकिन जो कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं करी थी, तो कहा गया। बोलने से मतलब नहीं होता बेटा, करना पड़ता। हाँ, तो करूंगी। बस ऐसा बोलते खाली, दोनों बाप बेटी का ना फेंकते रहते, खाली फेंकते रहते। टाइम तो मुझे भी नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है ना बाबू, हर चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है राजा। ठीक है, हमारे घर का हीरो किधर है? हेलो जी, चाय तो ले लो एटलीस्ट। देखिए एक्सरसाइज चालू है, चलो जल्दी। क्या ली? हैप्पी डेंट भाई की। डॉगी को देखा भाई, ये वाला डॉगी है, दिखाया। क्या करेंगे गाड़ी का, अब गाड़ी का टेंशन हो गया। एक ख़त्म होता ना, एक शुरू हो जाता। संभालो, ज़्यादा रेस दे देगी वो। बिस्मिल्लाह, मुझे नहीं बैठो है क्या है ना, बैठ जा। बाय, अल्लाह हाफिज़। चले, सुबह के हो रहे हैं 10:15। माही निकली ट्यूशन के लिए, यहाँ से करेंगे हम हमारे ब्लॉग का आगाज। आज है क्या है फज्जू आज? अच्छा मंगल, क्योंकि कल वोटिंग के लिए जाना है, कल वेनसडे याद है मेरे। तो आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे वाला ब्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। कोई दुख परेशानी मेरे किसी भी अपनों की तरफ में है। चले ट्यूसडे वाला ब्लॉग शुरू करेंगे। और नाश्ता नहीं हुआ अभी, नाश्ता बनाने जा रही हूँ बस, अभी बस फ्रेश होकर आई हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, अब जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। क्या बनाने का अभी? अच्छा, सुबह उठ के ना ये सबसे बड़ा टेंशन होता है कि अपन बिस्तर से जैसे उठते ना,
तो दिमाग में ना एक ही चीज चलती है, अभी क्या नाश्ता बनाऊंगी, खाना क्या बनाएंगे, हाँ ये है। ये मेरे को पता है, मेरी सारी बहन लोग भी ये चीज सोच सोच के सुबह सुबह परेशान हो जाते होंगे कि आज क्या बनेगा। बाकी चलिए, आज नुमेर गया है ब्लैक शर्ट पहन के, ब्लैक शर्ट। एक्चुअली कल इसको कॉलेज से ना दो लेक्चर के बाद में मेरे को बोला था कि अम्मी टीचर आके फिर देखी ना टीचर ने, तो एक लेक्चर जो है ना इसको बैठने नहीं दी, मतलब इसको क्या मतलब बहुत से बच्चे जो है ना ब्लैक शर्ट पहन कर नहीं आए थे, तो सबको बाहर किया। तो मैंने बोली कि ना जब तेरे को पता था तो तूने क्यों नहीं पहन के गया ब्लैक, एक शर्ट ब्लैक इसके पास में दो है, एक लाइनिंग वाला एक प्लेन वाला है। तो ये मेरे को बोलने लगा कि नहीं टीचर इतना सीरियस नहीं ले रही थी ना, सब बच्चे तो ऐसे ही पहन के आ रहे थे, मतलब ब्लैक नहीं पहन के आ रहे, तो मैं भी ऐसे ही चला गया। बोले मेरी सही है ना, है ना, भेड़ चाल में चलेंगे तो यही हाल होगा। जब टीचर ने बोल दी थी ब्लैक पहन के आना है तो ब्लैक ही पहन के जाना था, तो ये अपनी मनमानी किया था। अभी बराबर से कल एक लेक्चर से बाहर हुआ तो आज बराबर ब्लैक कलर का शर्ट पहन के गया। अभी इनका यूनिफॉर्म बन गया ब्लैक शर्ट, मतलब इनके इस कॉलेज का यूनिफॉर्म। चले अभी यहाँ पचर पचर नहीं, आपके फैयाज भजन पानी भर रहे हैं, मैं जाती हूँ जरा नाश्ता तैयार करती हूँ। चलिए ब्लॉग को पूरा देखना, स्किप नहीं करना, और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर 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 ड्रॉप कर दिया करें। चलिए गोभी पत्ता शिमला मिर्ची, गोभी पत्ता शिमला मिर्ची कहाँ है, और एक है, और एक है, बस करो ना फजू। हाँ एक कचरा वहाँ से उठा लिए, अच्छा ये आपके फैयाज भजन कल पालक लाए थे ना, तो इसको मैं सोची थी अभी दाल बनाऊँ, लेकिन ये अभी ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते, इसको मेरे को पूरा बनाना पड़ेगा आज, कल तक के फिर वो और वो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने सोची कि इसको ना भाजी ही बना देती हूँ सारी को, दाल नहीं बनाऊंगी। चावली है ना तो बीच में रख देते हैं, चौली डाल के भाजी बना देते हैं, अंडा और मेरी चाय। आज भजन कड़क पाव मस्का, हाँ फज्जू मस्का मस्का कड़क पाव में खुश रहते ना तू, बोली मैंने बीवी को मस्का लगाना से अच्छा कड़क पाव में मस्का लगाओ। वाह रे वाह क्या आइडिया दिए तुमने, बहुत अच्छा मस्का, पेट में डालो मस्का ना, वेरी गुड वेरी गुड। इनको बोली मैं बैदा करके देती हूँ, लेकिन अभी उनको ना बैदा पाव नहीं खाना है, मस्का पाव खाना है। बिस्मिल्लाह फूल पर्दा है आपके फैया, हाँ ये फूल थोड़ी है तो छोटा है, आ जाएगा, हाँ ये लगा के देखते, हाँ ये लगा के देखो बीच में ही लगाने का, आपके भाईजान ने देखो स्प्रिंग लगा दिए, मैंने पर्दा भी लगा दो, देखो ये लगा के, हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा, खिड़की का पर्दा ही है, बस हो गया, हाँ बस बस ये लगा दो। देखो मेरे चादरें पर्दे, अलग अलग घर में जाते हैं, अलग अलग घर के साइज के हिसाब से सिलाना पड़ता है, फिर उठा उठा के रखना पड़ता है, लेकिन मैं फेंकती नहीं हुआ, नहीं ये वो घर का है भैया, दो खिड़की का ही है बड़े बड़े पता है ना, और ये छोटा पर्दा मतलब एक ही था, दो एक ही खिड़की का बनाए थे अपन ने, नहीं ये भी नहीं, ये काय का है, शॉल है ये रख दो, इसका इसका पर्दा होएगा ना वो वाले, उसका 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 एक ही लंबा है क्या, वो अपन किचन में से निकाले थे ना, वो किचन में से ये लंबा है क्या, इसी तो डालते थे, अच्छा हाँ चलो अब इसी को धो धो के लगा देंगे है ना, बाद में मौका मिलेगा तो सिलवा के लूंगी एक, क्या बोलते हैं, अब इसी को धोएंगे इसी को लगाएंगे, नहीं ये भी पर्दे हैं लंबे लंबे, ये भी पर्दे अच्छे से करो मोड़ के, एकदम खराब मत करो, अच्छे से बांध के रखो, मैं जैसा बांधी थी। चलो एक खिड़की का पर्दा मिल गया, वही लगा लेते हैं यहाँ पे, संभाल के रखो, दो चार पोटले और है जो छाटने के, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को, काम काम में मेरा पूरा वर्क चला जा रहा है, और चीजें सेटिंग करने का बाकी है अभी भी, चलो ये लगा दो जरा मेरा, मैं तो सोच रहा था यहां से लेके वहां तक लगा, नहीं 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 मेरे की वो है गैस है, नहीं लगा सकते अपन, ये डालो स्प्रिंग इसमें, संभाल के रखने से तो कोई फायदा होता है, मेरा दिल नहीं होता कोई चीज़ फेंकने के लिए, उठा उठा के रख देती हूँ मैं, काम में आती ना, नहीं तो फिर खर्चा करो फिर खर्चा करो, कितना खर्चा करेगा इंसान है, देखो ये स्प्रिंग कल ही लेके आया उन्होंने जाके, अच्छी लंबी वाली, हाँ बताओ लगाओ, बस ना इतना ही ढापने का अपने को, हाँ बस हो गया, एकदम नीचे भी नहीं जाना है,
बस हो गया। हाँ बस परफेक्ट मिल गया, परफेक्ट आ गया। परफेक्ट हो गया, देखिए एकदम परफेक्ट हो गया ना। इतना ही साइज का चाहिए था। अभी मैं ना देखूंगी कपड़ा, एक ऐसे थोड़ा से लेके ना, एक कितना मीटर है नाप के, इतना एक और एक एक्स्ट्रा सिलवा लूंगी, या तो फिर मुझे इसी को धो धो के इसी को लगाना पड़ेगा। वो घर में भी मैं एक ही पर्दे को बार बार धोती थी और इसी को यूज करती थी, तो अभी भी देखेंगे या तो इसी को, या तो फिर मैं, अगर मेरे को मौका मिला, कोई सी के देने वाला मिला, तो फिर लेके सिलवा दूंगी। अच्छा, यहाँ तक नहीं लगा सकती क्योंकि आप लोग भी समझ रहे ना कि गैस है मेरा, तो नहीं लगा सकते। बाकी कैसा लग रहा जरा बताना। एक एक चीज थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सेट करने के लिए देख रहे, एक एक चीज आराम से एक एक करके सेट कर देंगे। अच्छा लग रहा है। अभी इतनी भाजी इतनी खराब निकली, इसलिए मैंने ना सोची कि आज खत्म ही कर दो वरना कल तक सड़ जाएगी। और इतनी भाजी निकली साफ। क्या बोल रहे हैं? टुकड़े जॉइंट करके लगा के, हाँ, फिक्स कर देता उसको। हाँ, समझे? पाइप को भी ना, हाँ, यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो मगजमारी बहुत है बाहर, वो हट जाएगी। ठीक है, आ गई ना मैडम। नूडल्स आज, नूडल्स नहीं कल, प्लीज बेटा कल, कल मेरा बच्चा प्लीज। नहीं आज भाजी नहीं ली ना, भाजी चाहिए था नूडल्स के लिए। और भैया जी दिख रहे नहीं अभी भाजी वाले, एक अंकल चले गए, पापा काम में थे ना, एकदम बिजी थे। अब भाजी वाले आएंगे, मैं काटूंगी, मैं बनाऊंगी, हो जाएगा वक्त। प्लीज बना रही हूँ, बस कुछ भी बना रही हूँ, अच्छा ही बनाऊंगी। अरे बोले मम्मा। अच्छा कल भाजी खाई तुमने स्कूल में, अच्छी लगी थी? बस तो मम्मी अच्छा ही बनाते ना भाजी। क्या बना रहे? पालक की भाजी। ये माँ बेटी की क्या खुसुर पसुर चालू है रे बापा। अच्छा खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, हेल्दी। अब उसको नूडल्स चाहिए, अभी के नूडल्स के लिए मेरे को भाजी है। आज मैं लेके रखूंगी तो कल पक्का नूडल्स बनाना है। बाय। अरे लेकिन कल तो वहाँ जाना है अपने को, वोटिंग वोटिंग के लिए छुट्टी है कल, स्कूल की छुट्टी है। परसों बना दूंगी, तुझे क्यों छुट्टी है ना स्कूल की? नहीं पता, आज पता चल जाएगा। परसों बना दूंगी, कोई मसला नहीं है। नूडल्स है अपने पास में, भाजी नहीं। हम लोगों ने खाया ना परसों, हमको आज खाना है। भाजी वाला दिख रहा क्या जी? कोई की भाजी? वो मेरा, वो चाहिए गोभी पत्ता चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए। ठीक है, डाल देना उससे क्या, उसके बिना नहीं बनती बेटा। तो पास्ता बना दीजिए, मैं तेरे काम करो जो बना रहे हो। क्या बनाऊं? जो बना रही हूं वही बना। मैं भाजी बना रही थी देखो। हां वही बना दो। पास्ता बना दीजिए, बना दो वही, नहीं बनाऊं। माई तू ये देखी क्या, पप्पा ने पर्दा लगाया। ओ वाह, अच्छा लग रहा है अभी। मैं सोच रही थी शायद लग जाएगा लेकिन नहीं, अच्छा लग रहा है। कौन से घर का ये पर्दा है? जोगेश्वरी वाले घर का है, याद है? खिड़की पे, छोटी खिड़की पे लगाते थे अपन, माई को याद है। है ना, देख कितने पुराने पुराने पर्दे भी मैं उठा करके रखी हूँ, तो काम में आए। तो ठीक है, भाजी बना दो। हाँ, मैं उसके साथ रोटी बना। अच्छा रोटी और भाजी तो को मैं दे देती हूँ। पाव भाजी, पाव भाजी, कल भी तो पाव लेके गई थी मम्मा। रोटी ना हो जाता है ना, हाँ, तो फिर ना खाने जमता नहीं है। पाव और पाव आप देते हो गरम करने ना, तो बहुत अच्छा रहता है खाने में, मजा आता है। वो जो गरम करके देती हूँ, तल के देती हूँ, तो अच्छा लगता है। क्या बोलूँ फज्जू, बोलो। अभी मैं ना भाजी और पाव ना, तो सपने में ना बोलूंगा जिन को इतना सा एक ओवन भेज दे जो विदाउट इलेक्ट्रिक विदाउट उसका है, अगर उसमें कोई चीज डाले खाने के टाइम पर गरम निकले और गरम। दोनों भाई बहन को गरम गरम चाहिए फैयाज, वो भी बोलता गरम चाहिए, ये भी बोलती गरम चाहिए। अब इनको गरम गरम कैसा मिलेगा बोलो? वो गरम की वजह से टिफिन नहीं लेके जाता, बोलता बाहर लेके ठंडा हो जाएगा बोले। अच्छा टेंथ तक के लेके गया, टेंथ तक के उसके नाटक नहीं थे, टेंथ तक के जो दे रहे थे लेके जा रहा था। हाँ क्यों? अच्छा कैंटीन वैंटीन है तो क्या हुआ? कैंटीन है तो क्या होगा, घर का लेके जाने का? वो कैंटीन की आदत है ना, वो कॉलेज के बाद में करेंगे ना, चल जाएगा। हाँ अरे आप दे देना ना, एक दिन कैंटीन का खा लूंगी, एक दिन का खा। हफ्ते में एक बार मांगता तो चाहिए तो दे दूंगी ना फैयाज, रोज नहीं दूंगी, रोज नहीं दूंगी। सिर्फ दो दिन दे दो हफ्ते में, एक दिन कैंटीन का, चार दिन घर का। सात दिन स्कूल जाती है क्या बेटा तू? हफ्ते के पांच दिन जाती है? अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा लॉजिक मत बना तेरे, चल चल चल। और वैसे मम्मा वड़ा पाव ये सब नहीं, वो सब नहीं खाने का बेटा, बाहर का नहीं खाने का, बाहर का नहीं खाने का। मम्मी बाहर का नहीं खिलाती है,
तभी थोड़ी बहुत दिख रही है। अगर हाँ अगर खिलाना लग गई ना तो दिखेगी भी नहीं। हाँ वो बात अलग है कि तू बीमार हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मेरा नंबर आया, क्या लेकर आया? जा माही देख, परेशान कर रही थी मुझे। खाना तो उसका रेडी है लेकिन देख। नो माही भाई आए, मसाला डोसा नहीं देगा, शेयरिंग करके देता है ना भाई, ऐसा नहीं है। हाँ क्या बोला, क्या बोला? देखो नहीं निकाले ना, तो बोला टीचर कल मेरे को निकाले बल्कि मैं आज पहन के आ गया। हाँ एक और है ना, तेरे पास ब्लैक कलर का शर्ट, वो जो लाइनिंग वाला स्ट्रिप्स वाला व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, पूरा ब्लैक ही चाहिए। तो फिर और ब्लैक लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा जाके फिर उसका दो शर्ट। कल एक कल कॉलेज की छुट्टी है, वोटिंग है ना कल, पता नहीं मेरे बोले नहीं, वो भी सकती है, मैसेज पता चल जाएगा। जा माही खा ले भाई के साथ में, जा ए माही खा, थोड़ा सा खा ले जा। ये देखो गर्म पानी में मैंने इसको भिगने रखी ना, कितने जल्दी ये हो गया। इसको ना पालक की भाजी में डाल के बनाऊंगा। बेटा चाय ले, हो गया मसाला डोसा खा के? एले एले भाई की चाय दे दे भाई को। हो गया मेरी बेंच पूरी हो गई, चटनी इतनी बच गई खाली। देखे है दाल चावल है, कल का दाल चावल भी है, भाजी भी है। मैं बोली अभी खिला देती और जाने के टाइम पे इसको पालक की भाजी दे दूंगी, बन जाएगी। लेकिन उसके भाई ने ना उसको मसाला डोसा खिला दिया। मैं सोचा वहाँ पर जाके मैं खाली बैठ गया, फिर मैं बोला मेरी बहन भी तो है यार। अच्छा एक्शन ला लेते, देखो देखिए। और खाना है क्या? देखो कुछ खाना है। और आ रही हूँ मैं बाल बनाने के, उसके मेरे जान पे खड़ी है। जा ना मैं आ रही हूँ, कंगे वंगे लेके खड़े रह जा। आई आई अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? कह रहे थे बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, और आपकी दुआ मुझको लगे, मेरी दुआ आपको लगे, मगर आपकी दुआ सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली को लगे। मेरी बेटी को लगे। हाँ बेटा तू भी है मेरा बच्चा, फैमिली में वो भी तो आती है। हाँ ना वो भी तो है, मना कर रही हूँ। चलिए ये निकल रहे अब गाड़ी पे, बाय बाय। मैं बोली खा के जाओ, बन जाएगा अभी। नहीं पाव खा लिए ना? चलो ठीक है, संभाल के चलाओ गाड़ी। चलो ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं, दो दो दरवाजे तो तुम फायदा उठाएंगे। अच्छा हाँ वो कोने में लगाती गाड़ी। चल आ जाओ। बैग पैक कर, मैं भी आ रही हूँ फटाफट, हो गया मेरा भी। थैंक यू, हो गया, हो गया बस। चलो माही को पाव गरम करके चाहिए, बस उसको पाव दे रही, रोटी तो मना कर दी उसने। नो मेरे वो ऑर्डर कर रहा है जो बोल रहा था, क्या बोल रहा था? कूलर पैड। कूलर पैड 300 का बोला ना तूने? 300 का कहाँ बोला मैंने? तू उस दिन तो बोला 300 रुपए का आएगा, मेरे को 300 रुपए लोन पे दो, 10-10 रुपया रोज दूंगा। तो कितने का है वो? 600 का है। बढ़ा दिया तूने 300 रुपए जगह पे भाई। हाँ 200 रुपया। हाँ तो तू कैश देने, कैश देने वाला है? ऑनलाइन करना तू? अलग अलग प्राइस रहता है, एक पंखे का या दो पंखे का।
अच्छा ही मंगाना एक ही बार में, फिर छोड़ दे बाद में मंगाएंगे फिर। हाँ ए बाबू, अरे कितनी भाजी? अम्मा कल भी तो आपने यही बनाई थी। नहीं कल वो बनाई थी मेथी सोया, ये खाली पालक है, बस हो गया इतनी। चलो खा लेना बेटा पूरा, साफ करना, बचाना नहीं। संभालो संभालो, पेट्रोल है पीछे, बढ़ जा बेटा। पानी लिया ना? पानी, हाँ चलो बाय, अल्लाह हाफिज। जा अंदर जा मीनू, जा अंदर, बाहर नहीं जाना अभी, जा अंदर, इधर से आ, उधर से बंद करियो। चलिए देखिए भाजी रेडी हो गई है मेरी, माई को मैंने यही दे दी टिफिन में। अच्छी बनी है भाजी, स्पाइसी एकदम, अच्छा लगेगा उसको, खाएगी। चलो दाल भी रेडी हो गई, देखो यहाँ पे ना, ये किचन पे ना मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है लगाना पड़ेगा ना, देखो ना पूरे छींटे उड़ के ख़राब हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये ऊपर की वॉल अच्छी है, देखो नीचे का ख़राब। अच्छा एक बहन ने मुझे पूछा था, मदीना भाजी कुकर में चावल पकाते हो तो पानी कितना डालते हो, उनकी आईडी मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। एक्चुअली मैं एक गिलास चावल में दो गिलास पानी डालती हूँ, तो अभी जो है ना मेरा एक गिलास से थोड़ा से कम है चावल मतलब, तो इसलिए जो मैंने एक गिलास और थोड़ा से कम पानी मैंने ले लिया है, तो मतलब एक गिलास के लिए दो गिलास पानी लगता है आप कुकर में बनाते हो जब, और जूने चावल के लिए, और न्यू चावल के लिए ना मतलब डेढ़ गिलास काफ़ी हो जाता है पानी, मतलब न्यू चावल के लिए, तो जूने चावल के लिए एक गिलास में दो गिलास पानी काफ़ी है। तो बनाए और कुकर में फटाफट से बन भी जाते हैं और बस गैस भी बचत होती है और जल्दी जल्दी पक भी जाते हैं। हाँ मीनू को देखो। चलिए ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, बाकी लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, और ये न्यू आपके फैयाज भजन ने जो पर्दा लगा दिए, एक एक चीज़ एक एक दिन घर में करते जा रहे हैं, अभी भी है ऐसे ऐसे चीज़ें कि यहाँ सेट करना है ये सेट करना है, तो एक एक दिन एक एक करते रहती हूँ, क्योंकि गाड़ी में भी जाना होता है ना, तभी आज जैसे बता रहे थे ना कि पाइप वगैरह का भी करना है, तो वो बाहर की लाइन है ना जो नल का कनेक्शन उसका करना है, तो वो भी बोले कि कर देंगे करके, तो मैं बोली चलो एक एक दिन एक एक करो, एक साथ में एक साथ में अगर पूरा लेके बैठेंगे ना तो फिर गाड़ी की और लेट हो जाते हैं, तो एक एक दिन एक एक कर रहे हैं। बाकी सेटिंग तो आप लोगों को पता है कि महीने भर भी चले जाए ना तो भी सेटिंग होती नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है, बाकी मेरे घर का 90% आई थिंक हो चुका है मेरे घर का सेटिंग। बाकी आप लोगों को होम टूर भी देना है, तो इंशाल्लाह होम टूर भी बहुत जल्दी दूंगी, इसलिए नहीं दे रही ना क्योंकि अभी भी थोड़ी थोड़ी सेटिंग एकदम हो जाए ना मतलब परफेक्ट हर जगह पे, तो होम टूर देने भी मजा आएगी ना, इसलिए नहीं दे रही हूँ आप लोगों को होम टूर, बाकी जाए बहुत जल्दी दे दूंगी आप लोगों को होम टूर कि हाँ ये है होम टूर। बाकी चले काम बढ़ गया है, हाँ इतना मैं बोलूंगी कि ये घर में जब से आए हैं ना काम मेरा बढ़ गया, मतलब बोलते ना कि जितना बड़ा घर उतना काम भी बढ़ता है, छोटा घर काम छोटा रहता है, बड़ा घर तो काम भी बढ़ता है, काम मेरा यहाँ पे वाकई में बहुत बढ़ गया, तो जिसकी वजह से रील्स अपलोड नहीं कर पा रही, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे ना रील्स शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहे क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को, यही करते करते मतलब मेरी रात हो जाती है, तो जिसकी वजह से शॉर्ट्स नहीं बना पा रही, बाकी देखेंगे देखेगा एडजस्ट होते होते इंशाल्लाह हो जाएगा। कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना, बाकी चले व्लॉग को एंड करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हम सबको याद रखना, अल्लाह हाफिज़।